मकर संक्रांति के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। मैं आपको सूर्य देव से जुड़ी हुई एक कथा सुना रही हूँ। सनातन धर्म में मकर संक्रांति बहुत अधिक महत्व रखता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन शनि देव से उनके पिता सूर्यदेव मिलने आते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि की राशि मकर में गोचर करते हैं। इस दिन को लेकर कई कथाएं प्रचलित है। इन्हीं कथाओं में से एक हम आपको बता रहे हैं। मकर संक्रांति के बारे में देवी पुराण में वर्णित की गई एक कथा के अनुसार शनि देव अपने पिता सूर्यदेव को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन सूर्यदेव ने शनि देव की मां छाया को उनकी दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज से भेदभाव करते देख लिया था। इससे सूर्यदेव बेहद क्रोधित हो गए और उन्होंने शनि देव को उनकी माता छाया से अलग कर दिया था। इस बात से छाया बेहद क्रोधित थी। उन्होंने क्रोध में आकर सूर्यदेव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। छाया के श्राप से सूर्यदेव कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे। इस बात से क्रोधित सूर्यदेव ने शनि देव का घर जला दिया। घर जलने के चलते शनि देव और उनकी माता को काफी कष्टों का सामना करना पड़ा। सूर्यदेव को उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र यमराज ने काफी समझाया था कि वो माता छाया और शनि के साथ ऐसा व्यवहार न करे। उनके समझाने के बाद सूर्यदेव खुद शनि देव के घर पहुंचे। शनि देव कुंभ में रहते थे। शनि देव का पूरा घर जल चुका था और उनके पास केवल काले तिल ही थे। शनि देव ने उन काले तिलों से ही अपने पिता सूर्यदेव की पूजा की। तब सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर शनि देव को आशीर्वाद दिया कि मकर राशि जो कि शनि का दूसरा घर है उनके आने से धन्य धान हो जाएगा। यही वजह है कि शनि देव को तिल बेहद प्रिय है।